दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संवाद कक्ष में सोमवार को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर व्याख्यान माला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में 44 यूपी बटालियन एनसीसी के कर्नल इंद्रजीत घोषाल ने वीर अमर शहीद जवानों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा एनसीसी कैडेट्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर कर्नल इंद्रजीत घोषाल ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि 26 जुलाई को ऑपरेशन विजय खत्म हुआ था। उन्होंने कहा, भारतीय सेना के जवानों ने विकट परिस्थितियों में 18,000 फीट की बर्फ की चोटियों पर चढ़ाई करते हुए कारगिल की पहाड़ियों पर तिरंगा लहराया था। उन्होंने कहा कि सेना ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया तथा कारगिल की पहाड़ियों पर 40 से 45 दिनों तक चले युद्ध में भारतीय सेना के जज्बे के सामने पाक सैनिकों ने अपने घुटने टेक दिए। कर्नल इंद्रजीत ने कहा कि कोई कार्य असंभव नहीं होता। उन्होंने कहा कि कारगिल की लड़ाई पहली बार पहाड़ी इलाकों में लड़ी गई थी और जीत भी हासिल की गई। उन्होंने छात्रों से कहा कि आप अपनी क्षमता के आधार पर अपना रास्ता चुनें और तरक्की पर आगे बढ़ें, यही मेरी शुभकामना है। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वीणा गोपाल मिश्रा, डॉक्टर अर्चना सिंह, डॉक्टर गीता सिंह, डॉक्टर सत्यपाल सिंह, डॉक्टर विवेक शाही, डॉक्टर सरिता सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कर्नल इंद्रजीत घोषाल व महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वीणा गोपाल मिश्रा ने कहा, और मैं अभी कुछ ही मिनट पहले
प्रिंसिपल डॉक्टर रीना गोपाल मिश्रा से बात कर रहा था कि मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ कि मैं गोरखपुर में पिछले डेढ़ साल होने लगा है। आप जानते हैं कि एनसीसी कैडेट्स को जब पढ़ाया जाता है या उनके करिकुलम को किया जाता है, जैसे आप अलग अलग विभाग देखते हैं, जब टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, प्रोफेसर आपको पढ़ाते हैं, तो एक काबिलियत होती है। मैं खुशी व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमें एज डॉक्टर के के मौर्य का योगदान मिलेगा, और जो मैंने देखा है बहुत ही अव्वल दर्जे की नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज उनमें है, और ये कुछ ही महीनों में भी कोर्स को जाने वाले हैं, और मैं अपनी तरफ से ये वादा कर सकता हूँ आपके इंस्टीट्यूशन को कि अव्वल हो गए। आज जैसे कि जानते हैं कि कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, आपको अवगत करा देना चाहता हूँ शुरू करने से पहले, शायद आपने कभी देखा ना हो जो आपके सामने ऑफिसर खड़ा है, वो इस लड़ाई में सबसे पहला ऑफिसर सिलेक्ट किया गया था कमांडरों के द्वारा पाकिस्तान का अगेंस्ट लीड करने के। फौजी जब एक यूनिफॉर्म पहनता है उसमें अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, शायद आपको नहीं मालूम होगा, जैसे कि आप नॉर्मल लाइफ में देखते हैं अलग अलग, कई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होता है, कहीं अकाउंट्स जॉब होता है, कहीं लॉजिस्टिक होता है, अलग अलग होता है। हमारे आर्मी में सबसे अव्वल दर्जे की नौकरी होती है ऑपरेशंस, एक ऑपरेशन ऑफिसर जो कि कहीं पे भी हो इस भारतवर्ष में, उसको एक बुलावा आता है और एक साइफर सीक्रेट एक लेटर आता है जो कि बताया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जियो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद इन 2 घंटे में पहुंचाया जा सकता है। आप सोच सकते हैं अगर मैं कन्याकुमारी में बैठा हूं तो ये जो है आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हमारे आर्मी के हेडक्वार्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिस से डिजाइन हो गया, तभी ये ऑफिसर जो है ऑपरेशन क्वालिफाइड ऑफिसर वहां से मूव करके जो भी गतिविधियां में पार्टिसिपेट करना है, और आप जानते हैं कि गतिविधियां क्या हो सकती हैं जबकि इतना सीक्रेट का अगर वो ऑफिसर मूव कर रहा है, किसी को कोई नहीं मालूम, उनके घर वालों को नहीं मालूम होता है कि ये आपके घर में जैसे पिताजी हैं, भाई हैं, कोई भी जो एयरफोर्स मतलब आर्मी एयरफोर्स के लिए जो है कहाँ जा रहे हैं बिना बताए होता है। जब काम हो जाता है उसके बाद खबर आता है, हम ये नहीं बताते कि हम लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं या एक एड्रेस को पढ़ने के लिए जा रहे हैं या किसी मोर्चे पे जा रहे हैं। इनफैक्ट आज तक मेरे वाइफ को मालूम नहीं था, जब तक कारगिल विजय जो कि आज जो तारीख है 26 जुलाई मनाया जा रहा है, जब ये शुरू हुआ 26 जुलाई तब उनको पता चला कि मैं इस लड़ाई में था, और जबकि मैं इस लड़ाई में जब मुझे चुना गया फिर तब मेरी शादी केवल 4 साल हुई। प्रीति निसार, प्रीति कुमारी अंशु, राहुल यादव, राहुल यादव शर्मा, केवल उसकी अगुवाई की वरन उसको अपनी आंखों से देखा, प्रत्यक्ष दर्शी गवाह, एक ऐसे योद्धा को आज हम लोगों ने अपने बीच पाया, मुझे लगता है कि इससे बड़ा सौभाग्यशाली क्षण हम महाविद्यालय परिवार के लोगों के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता कि हम सब आज आपको अपने बीच देख रहे हैं, और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि देश की रक्षा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए जब जब आपको जंगे आजादी में जाना पड़े, आप हमें इसी तरह सशरीर इस मंच पर दिखाई दें, ये हम सब की शुभकामना है आपके लिए। देखिए आज कारगिल दिवस है, जैसे कि जानते हैं कि 26 जुलाई आज की तारीख हमारा ऑपरेशन विजय ख़त्म हुआ था, और मैं यही सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि आम आदमी की जो अगली पीढ़ी है वो अच्छी तरह तैयारी करे, चाहे वो किसी फील्ड में भी हो, फौज तो हमारी है ही है, अगर उसमें भी जाना चाहें मोस्ट वेलकम, लेकिन दूसरे भी जितनी भी हमारी कार्यकाल जो करते हैं, ठीक है, जो विभाग है हमारे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, या कोई भी और कोई नौकरी हो, वो सभी अच्छी हैं,
तो तैयारी पूरी करें, जैसे कि आपके प्रोफेसर्स टीचर्स आपको पढ़ाया जाता है उसको आप अच्छी तरह ग्रहण करें और उसमें अव्वल आएँ, और यही चीज़ आपको ज़िंदगी में काम आएगी। और यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आगे की पीढ़ी हमें और हमारे पैरों को, हमारे शोल्डर को ऊपर ले जाएँ और तरक्की करते रहें। सर, ऐसा कोई मोमेंट कारगिल का जो आप शेयर करना चाहेंगे? मैं ऑलरेडी अभी शेयर कर चुका हूँ कि हमने कारगिल की लड़ाई है, लेकिन एक वीर कथा भी है जिसमें हमारे वीरों ने कारगिल को लड़ा और पाकिस्तान को खदेड़ के फेंका। आज हमारे दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय ने 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का आयोजन हम लोगों ने किया था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि थे कर्नल इंद्रजीत घोषाल जी। और सबसे बड़ी उपलब्धि हम लोगों की ये रही कि इस अवसर पर हमें एक ऐसे योद्धा से मिलने का अवसर मिला जिसने कारगिल की लड़ाई में सबसे पहले फाइट किया था, सबसे पहले ही वॉज़ द फर्स्ट ऑफिसर टू टेक पार्ट इन द कारगिल वार। तो ये सबके लिए बहुत गर्व की बात थी। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगी कि सामान्यतया हमारे देश की जनता है 26 जुलाई और कारगिल विजय दिवस को एक बड़े सामान्य से रूटीन वे में लेती है, तो मेरा इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ करने का उद्देश्य ये था कि इसके एक्चुअल अर्थ को, इसके महत्व को हम सब लोग समझें, एक संदेश जाए समाज को कि ये पहली लड़ाई ऐसी थी जो इतनी ऊंचाइयों पर लड़ी गई। पाकिस्तान के साथ भी हमारा, अन्य देशों के साथ भी हमारी लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन ये फर्स्ट फाइट थी पाकिस्तान के साथ हमारी, जो हमने 18,000 फीट ऊंचाइयों पर जाकर लड़ी, जहाँ की -28 डिग्री टेम्परेचर हुआ करता है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हमारे सैनिकों ने अपने जुनून, जोश, जज्बे और शौर्य का वो दिखाते हुए कितनी विषम परिस्थितियों में उन्होंने दुश्मन को खदेड़ दिया और अपना तिरंगा झंडा वहाँ पर लहराया, ये बहुत फख्र और गौरव की बात है। तो देश के ऐसे शहीदों को याद करना और जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके मन में मातृभूमि के समर्पण के प्रति उसी तरह का जज्बा पैदा करना, ये बहुत ज़रूरी है। आज हमारी जो यूथ है वो सोसाइटी से भी कटती जा रही है, नेशन से भी कटती जा रही है, और जो हमारे नेशन के वैल्यूज़ हैं, देश के जो मूल्य हैं या जो देशभक्ति की भावना है, वो मुझे कहीं विलुप्त होती हुई दिखाई देती है। तो हमें प्रति क्षण इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि ये जिस आज़ाद देश की हवा में हम सांस ले रहे हैं, इसके पीछे शहीदों के बलिदान छुपे हुए हैं। शहीदों की एक लंबी श्रृंखला है जिन्होंने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो उन शहीदों के प्रति नमन करने का, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का और उनको स्मरण करने का इससे सुंदर अवसर कोई नहीं हो सकता। तो कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में हमने पुनः उन शहीदों को स्मरण किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और हमने ईश्वर से ये प्रार्थना की कि मातृभूमि की रक्षा के लिए ऐसे ही देश के लिए बलिदान कर देने वाले सैनिकों को, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को, उनके साहस को ईश्वर बनाए रखे, ताकि दुश्मन कभी भी हमारे देश की सीमाओं पर की तरफ आँख ना टेढ़ी कर सके।